हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग बिना किसी इम्यूलेटर के जरिए से, मतलब कि ब्लू स्टैक्स के जरिए से, कैसे कोई एंड्रॉयड गेम फ्री में आप लोग विंडोज़ में खेल सकते हो इंस्टॉल करके। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा ये प्रोसेस समझ में आ जाए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में मैं टाइप कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो उसी के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो स्टोर एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, या बोल सकते हैं कि विंडोज़ की तरफ से दिया गया है, तो उसी को आप लोगों को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे गेम सेक्शन में जाके कोई भी एक गेम आप लोगों को चूज़ करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एशफोल्ट 9 जो गेम है वो एंड्रॉयड का ही एक गेम है। तो इस गेम को हम इसी विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करेंगे वही हम इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल अकाउंट यहाँ पे बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए साइन इन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो नीचे वाला माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वहाँ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा एक टाइम लेगा, और लेने के बाद यहाँ पे क्रिएट वन करके एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, नो अकाउंट ? देन क्रिएट वन। ओके, तो क्रिएट वन में आप लोगों को क्लिक करने के बाद एक छोटा सा एक विंडो होगा जहाँ पे आप लोगों को क्रिएट अकाउंट करके लिखा आएगा। तो वहाँ पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा ईमेल अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों को दो डोमेन दिया जाएगा, एक है hotmail.com एक है outlook.com पे। तो मैं यहाँ पे hotmail.com का ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लेटर और नंबर यूज़ करके मैं यहाँ पे डेमो दिखाया है कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जो माइक्रोसॉफ्ट ईमेल है वो बनाना है। तो वो बनाते ही आप लोगों को यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। तो फिर से आप लोग देख सकते हैं साइन इन एंड वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। ईमेल, फ़ोन और स्काइप से भी आप लॉग इन कर सकते हो अगर आप लोगों के पास एग्जिस्टिंग कोई आईडी है, ठीक है। तो चलिए अब मेरा जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है उसी की मदद से मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। तो वो पहले ही शो कर रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते ही मेरे को पिन मांगेगा। तो जो पिन है वो मैं एंटर करने के बाद यहाँ पे वो लॉगिन हो जाएगा, जो यहाँ पे मेल अकाउंट है मेरा। तो वो लॉगिन होने के बाद ही यहाँ पे गेट ऑप्शन हट जाएगा यहाँ से, और हटने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल एक बटन अवेलेबल होगा ब्लू कलर का। आप लोग देख सकते हैं कि यू ओन दिस गेम, मतलब कि ये गेम मेरे अकाउंट पे हमेशा के लिए रिडीम हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस बटन के क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे स्टार्टिंग डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है डाउनलोडिंग का स्पीड। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट स्पीड है वो है 35 Mbps का जो स्पीड है मैक्सिमम। कभी कभी यह अप्स एंड डाउन्स भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट तुरंत ही नहीं शुरू होता है। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे इंतज़ार करते हैं और देख लेते हैं कि स्टार्टिंग कब होता है। तो मेरा ये उम्मीद है कि 1-2 सेकंड के बाद ही यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो बोला था उसी हिसाब से यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है एशफोल्ट 9 लीजेंड्स का। तो यहाँ पे देखिए एशफोल्ट 9 लीजेंड्स स्टार्ट हो चुका है डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग होते होते मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि इस गेम का जो साइज़ है वो है 2.66 GB। तो आप लोगों के पास अगर डेटा यूज़ करते हैं, मतलब कि मोबाइल डेटा यूज़ करते हो, तो प्लीज़ आप लोग 3 GB तक कोई डेटा पैक इंस्टॉल कर लेना, मतलब कि भरवा लेना, ठीक है। तो अगर आप 3 GB के ऊपर भराते हो डेटा पैक तो वो तो और भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मैं ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ तो इसीलिए मेरे को डेटा का कोई अभी इश्यू नहीं है। तो और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट का कोई ईमेल अकाउंट नहीं होगा तो आप लोग ये गेम विंडोज़ में इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख पाते हो कि जो प्ले स्टोर है गूगल का, उसी में भी आप लोगों को सेम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है कोई गूगल का या जीमेल का, तो आप लोग भी उस
प्ले स्टोर में आप लोग इंस्टॉल मतलब कि कोई भी गेम कोई भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर टाइप का ही यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी है। तो इसी में आप लोगों को कोई मतलब कि इमुलेटर का ज़रूरत नहीं होगा, मतलब कि ब्लू स्टैक्स का ज़रूरत नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा करके यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ये गेम खेल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 70% मेरा डाउनलोड हो चुका है आउट ऑफ 2.66 GB। तो देखिए और थोड़ा ही कुछ GB बाकी हैं यहाँ पे, वो मेरे डाउनलोडिंग की स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये कुछ गेम है जो गेम लॉफ्ट की तरफ से यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ये प्रोडक्ट दिस प्रोडक्ट इज़ इंस्टॉल्ड हो चुका है मेरे विंडोज़ में। तो आप लोग मतलब कि अब हम खेल सकते हैं। तो आप लोग भी कुछ ऐसे ही करिएगा जो मैंने इस वीडियो का प्रोसेस में दिखाया है शुरू से अंत तक। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा कोई प्रोसेस मतलब कि कोई भी पार्ट। तो अगर कोई पार्ट आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो प्ले बटन में क्लिक करते ही यहाँ पे जो मेरा गेम है वो यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो कुछ ही देर बाद यहाँ पे देखिए वो गेम ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को तो पता ही है जब कोई गेम फर्स्ट मतलब कि लोडिंग होता है तब थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है यहाँ पे, क्योंकि उसका फर्स्ट कुछ ना कुछ सेटअप करना होता है बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे देखिए सेटअप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मांगेगा आपका एज कितना है और आप लोग मेल हो या फीमेल हो, जेंडर मांगेगा। और उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का कुछ एक चेक बॉक्स होगा और वो मतलब कि चेक बॉक्स में जब आप राइट क्लिक करेंगे तभी आप लोग वो एक्सेप्ट करके एंटर कर सकते हैं गेम में। एज लाइक जब आप लोग एंड्रॉयड गेम कोई इंस्टॉल करते हो इम्यूलेटर में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एस्टफॉल लीजेंड से वो ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रीड कर रहा हूँ मैं जो टर्म्स एंड कंडीशंस है और यहाँ पे एज डाल के मैं मेल डाल देता हूँ और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट करते ही मेरा गेम ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो अगर आप लोगों के पास एक्सबॉक्स का कोई भी अकाउंट है तो उसको भी आप लोग इसका साइन इन में इस्तेमाल में ले सकते हो। तो फिलहाल तो मेरे पास एक्सबॉक्स का कोई ईमेल नहीं था मतलब कि अकाउंट नहीं था, तो मैं यहाँ पे प्ले में क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप लोग चाहे तो वो प्ले में क्लिक कर सकते हो या एक्सबॉक्स में भी क्लिक कर सकते हो अगर आप लोगों के पास एग्जिस्टिंग अकाउंट है। तो मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट नहीं था तो मैं यही ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक लैम्बोर्गिनी आ गया है, क्या पता मुझे कौन सी कार है, मुझे इतना पता नहीं है, मैं तो इतना कार रेसिंग वाला गेम नहीं खेलता हूँ, शायद ये लैम्बोर्गिनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ये गेम रन कर रहा है और कोई भी लैग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम लोग इम्यूलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत तो लैग देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा ये टिप्स एंड ट्रिक्स था आप लोगों के साथ शेयर किया हो मैंने, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा ये मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब भी मैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग कंटेंट डालूँगा मेरे चैनल पर तभी आप लोगों के पास तुरंत पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।